2 अप्रैल के भारत बंद के बाद जो घटनाएं हो गई उसके पश्चात सोशल मीडिया के माध्यम से 10 अप्रैल को दोबारा अन्य सामाजिक संगठन या व्यापारियों द्वारा बंद के संबंध में जो अफवाहें चल रही थी उस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 बार शांति समिति की बैठक ली गई और इस संबंध में हमने सामाजिक संगठनों से, जातिगत संगठनों से और व्यापारिक संगठनों से भी बात की और उनका व्यू जानने का कोशिश किया। उनमें से किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार का बंद का घोषणा नहीं किया है, ये खुद उन्होंने बताया, इवन मीडिया को भी उन्होंने ये बताया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो अफवाहों का दौर नहीं फैले, सोशल मीडिया के माध्यम से जो 10 तारीख के बंद की बात सामने आई थी उस संबंध में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हो या ऐसा कोई आधिकारिक रूप से किसी ने बंद नहीं पुकारा है, इसकी जानकारी आप लोगों को देने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इवन काउंटर चेक भी, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये उन लोगों का सभी का यही भावना है। और उन सब लोगों ने, सभी सामाजिक जातियों के संगठनों ने भी और व्यापारिक संगठनों ने भी बाड़मेर में शांति और सौहार्द का माहौल कायम रखने के लिए बहुत अच्छी पहल करके इन्होंने ये स्वागतार्ह कदम उठाया है। और साथ में उन सभी संगठनों ने, सभी धर्म और जाति के लोगों ने आने वाली 14 अप्रैल की अंबेडकर साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने का आश्वासन भी पुलिस और प्रशासन को दिया है। तो मैं आप सबके माध्यम से सबको यही आह्वान करूंगा, ज़िले की जनता को भी यही अपील करूंगा कि फिलहाल सब जगह पे शांति है, कानून व्यवस्था बरकरार है और किसी भी प्रकार का संदेह या अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें और शांति और अमन और सौहार्द कायम रखें। जैसा कि हमारे व्यापारिक संगठनों से बात हो रही थी तो हमने उनको यही आश्वासन दिया है और आश्वस्त किया है कि अगर यदि कोई संगठन लोकतांत्रिक तरीके से बंद या रैली का पुकार करता है तो उनको नियमानुसार पूरी स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। बिना स्वीकृति के कोई बंद या इस प्रकार की रैली नहीं होगी, ये प्रशासन सुनिश्चित करेगा। और साथ ही साथ जब भी कोई ऐसा आवेदन या आवेदक आएगा तो निश्चित रूप से उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के साथ संबंधित आवेदक की एक पूर्व मीटिंग कराई जाएगी, उसके पश्चात ही किसी भी प्रकार के रैली या बंद के संबंध में आगे की स्वीकृति दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई अफवाह फैला के कोई संबंधित व्यापारियों को नुकसान पहुंचाना या आम व्यवस्था को ख़राब करने का कोई प्रयास कोई भी कर रहा हो तो उसके खिलाफ़ भी पुलिस आईटी एक्ट की धारा या एवं अन्य आईपीसी की धाराओं में निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ऐसा कोई भी प्रयास आप लोगों को भी दिखता है या ऐसी कोई भी रूमर आपके पास आती है तो आप हमारे को कृपया सूचित करें ताकि प्रशासन और पुलिस समय पे उन चीज़ों को ध्यान रख के उनको कंट्रोल कर सके।